स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन लर्न स्कूल। आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 5 का पहला पाठ राग की रस्सी के प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगी। ये हमारा भाग 3 है। पहला प्रश्न है भोला भाला। क्या लिखा हुआ है? भोला भाला। पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं बच्चों। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तिब्बत के मंत्री का नाम क्या था? लोनपोगा। वो अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित थे। तो उसका प्रश्न क्या है? तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? आपने राग की रस्सी पाठ पढ़ा, आपने सोचा होगा ना, और आपको पता भी होगा वो चिंता क्यों करते थे। तो इसका उत्तर क्या है? कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख न बना दे। वो क्या चिंता रहती थी? क्योंकि बेटे को कोई पागल न बना दे। कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो न दे। वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार न हो आदि। लोन पर को चिंता रहती है कि मेरा बेटा को कोई पागल न बना दे, उसे कोई शादी भी करेगा या नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न हमारा, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करते? ये तो कविता में कवि ने, ये वाला लेसन है उसमें कवि ने बताया है कि भाई मंत्री ऐसा करते थे, मंत्री वो। आप मंत्री की जगह पर होते तो आप क्या करते? तो इसमें उत्तर लिखा है, मैं रोज़ उसको अपने पास बिठा कर दुनियादारी समझाती, उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती और उसकी परीक्षा लेती। क्या करती मैं? उसको रोजन अपने पास में बिठाती, उसको समझाती, गुस्सा नहीं करती, उसको प्यार से समझाती, उसको भी पढ़ने लिखना भी सिखाती, सवाल जवाब भी करती, उसकी परीक्षा भी लेती। ओके बच्चों, आपको समझ में आया? फिर दूसरा हमारे शहर की तरफ, उसमें लिखा हुआ है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। था ना हमारे लेसन में आया था कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया था। क्या देकर? 100 भेड़े देकर। यस, याद आ गए आपको? तो हम पढ़ते हैं, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? उसका उत्तर क्या है? ये वाला, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। इसलिए भेजा कि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। दूसरा प्रश्न, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? यस, आपको भी दिमाग में आएगा कि मंत्री ने भेड़े दी को उसको शहर में क्यों जाने के लिए बोला, किसी गांव में जाने के लिए क्यों नहीं बोला। तो इसका उत्तर क्या है? शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। शहर के लोग ज़्यादा होशियार भी होते हैं और सूझबूझ वाले भी होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है? होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। ओके बच्चों, फिर हमारा क्वेश्चन है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आज पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो कि किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। अपने पड़ोसी में पूछ लेना कि कौन कहीं कहाँ रहता था पहले, अभी कहाँ रहना हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश है तो क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप सबको अपने खुद से लिखना है, मैं नहीं लिख के दूंगी। आपको अपने घर में पूछना है, आपके मम्मी पापा पहले कहाँ रहते थे, दादा दादी को पूछना है, अपने पड़ोस में पूछना है वो पहले कहाँ रहते थे, अब कहाँ पर रहने के लिए आए, और उनको अब रहने के लिए उनको अब अच्छा लग रहा है कि पहले जहाँ रहते थे वो अच्छा लग रहा है। वो आपको अपने अनुसार इसके उत्तर लिखना है। यहाँ दूसरा प्रश्न है, जौ एक तरह का अनाज है। ये आप भी जानते हो कि जौ जैसे गेहूं अनाज होता है, इसलिए जौ भी होता है, एक अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। आपको सबको ही पता होगा जौ की रोटी भी आपने खाई होगी, इसे सत्तू भी बनाया जाता है। और दूसरे ऐसे कौन से अनाज होते हैं जिसके हम रोटी बनाते हैं, खाते हैं,
तो कौन सा है पहला अनाज? गेहूं होता है, मक्का भी होती है। मक्का को तो हम ऐसे भी खाते हैं, सेक कर खाते हैं, भून कर भी खाते हैं, और रोटी भी बनती है। बाजरा, बाजरे की रोटी बनाते हैं, जौ की भी रोटी बनती है। धान, धान में सभी अनाज आ जाते हैं। ज्वार, ज्वार भी आप सबने खाया होगा। ओके, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनाज जातिवाचक संज्ञा है, इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। हमने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा में कैसी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का नाम होता है, ऐसे ही हमको भी इसमें पहचानना है। ओके बच्चों, फिर हमें आगे लिखा हुआ है नी, इसका आंसर आपने देखा, इसका आंसर हमारे ये लिखा हुआ है व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब ले, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी आती, और जातिवाचक संज्ञा में धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। ओके बच्चों, किसका आंसर पढ़ा हमने? इसका। नीचे दी गई संज्ञा का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करना है। किसमें? ले, ये ले है, तांबा है, धातु, खिचड़ी, शेरवानी, शहर, भोजन और वेशभूषा। इसमें व्यक्तिवाचक में क्या क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा क्या? आएगा ले, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाएगी? धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा, ये क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब लिखा है आगे, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोच कर लिखो। जातिवाचक तो लिखी हुई है, व्यक्तिगत संज्ञा हमको सोच कर लिखनी है। तो देखो हम आगे लिखते हैं, शहर, शहर में क्या आता है? कोलकाता, पटना, चेन्नई। फिर है वेशभूषा, वेशभूषा में क्या आता है? कमीज, टाई, सलवार। फिर है धातु, धातु में क्या आएगा? लोहा, सोना, चांदी। भोजन, भोजन में चावल, दाल, रोटी। अब आगे लिखा हुआ है, तुम शेर, मैं सवा शेर, एक से बढ़कर दूसरा। ओके, लिखता है क्या लिखा हुआ है आगे हम देखते हैं, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पे दहला। तुमने भी यही करना होगा, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो, और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रख कर उसके चार ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाओ वह तुम्हारी कक्षा का बिरबल हो गए। ये गेम है बच्चों, अभी आप स्कूल में तो नहीं आ सकते, पर घर पे तो आप सभी मिलकर खेल सकते हो ना। इस गेम को सभी आप अपने घर में खेलना। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर क्या है? मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया, ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। मंत्री को अच्छा तो लगा था, पर उसने बाहर नहीं बताया था, दिल से खुश हो गया था, उसने बाहर नहीं बताया क्योंकि उसके बेटे ने अपना दिमाग नहीं लगाया था। आगे पढ़ते हैं हम, सींग और जौ, सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा?
अपनी कल्पना से बताओ। आपको पता है मित्रों कि भेड़ के बाल और सींग से क्या क्या बनता है? भेड़ के बालों से बनती है ऊन, और ऊन से क्या बनता है? स्वेटर बनती है, शॉल बनती है जो हम सर्दियों में पहनते हैं, और भेड़ों की सींग से क्या बनते हैं? जो घर में सजाने के सामान बनते हैं। तो उत्तर हम पढ़ते हैं, भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी और ऊन से गर्म कपड़े जैसे शॉल, और भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट की चीज़ें बनाई होगी। बात को कहने के तरीके, बात को कहने का अलग अलग तरीका होता है। कोई मजाक में बोलता है, कोई एनी टाइम गुस्से में बोलता है, कोई एक ही बात को दो तरह से भी बोल सकता है। तो देखो, हम देखते हैं नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो। पहली बात, चैन से ज़िंदगी चल रही थी। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, उसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं? शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था, इस अनुसार भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर दूसरा है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, तो उसको दूसरी तरह से हम कैसे बोलेंगे? वह बिल्कुल होशियार नहीं था, ये ऐसे बोल सकते हैं। फिर है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, इसको हम किस अनुसार बोलेंगे? मैं इसका उपाय बताती हूँ, यस। फिर है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई, एक ही बात पर दोनों को अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था, यस, हमने भी पढ़ा लेसन को पता चला कि वो लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। प्रश्न, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? होशियार और चालाक में क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या अंतर होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। इसका उत्तर क्या होगा? होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में, अच्छे अर्थ में होता है। होशियार का शब्द का उपयोग कब होता है? अच्छे अर्थ में होता है। इसका मतलब है समझदार, होशियार का मतलब होता है समझदार, समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ, ये खराब या बुरे अर्थ में होता है, इसका मतलब है चतुर। ओके बच्चों, होशियार शब्द का प्रयोग होता है समझदार, और बुद्धिमान का अर्थ होता है चतुर। ऐसे दूसरा शब्द हमको बोला है बुद्धू, भोला और बुद्धू का अर्थ बताना है हमको। तो भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है, वह जानकर पढ़ा लिखा है, जानकार भी है और पढ़ा लिखा भी, किंतु हृदय से सीधा है। बुद्धू शब्द का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ। मूर्ख का अर्थ क्या होता है? बुद्धू का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है, और मूर्ख का अर्थ क्या होता है? बुद्धू होता है। ये आपको समझ में आया? फिर आगे है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? दोनों से क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे? तो इसका उत्तर है, लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। लड़की बहुत बुद्धिमान थी, तो मंत्री इतना खुश हो गया कि उसने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। अब लिखा हुआ है नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है, यह परिचय पढ़ो, मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दे दो। बेटे का नाम रखा है मिगमार और लड़की का नाम लिखा डाबा। बेटे का नाम क्या लिखा? मिगमार लिखा, और लड़की का नाम लिखा डाबा। ओके बच्चों, आपको ये समझ में आया क्वेश्चन आंसर? इसी क्वेश्चन आंसर को आपको पूरे आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, मैं इसके साथ आपको इसकी PDF भी भेजूंगी। ओके बच्चों, और आप लिखना।